हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिनी केक। इसे हम अपम पैन में बनाएंगे, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। फ्रेंड, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बॉल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल। अब डालेंगे 4 बड़ा चम्मच दही और इसे मिला लेंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे जब तक दही और तेल मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ चीनी और तेल मिक्स हो गया है। अब एक छलनी लेंगे, छलनी में डालेंगे 1/2 कटोरी चीनी का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से चीनी लिया था, उसी कटोरी से भर के मैदा लेंगे। अब डालेंगे 2 टीस्पून कॉफ़ी का पाउडर और सभी सामग्री को छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे सामग्री को छान लिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना बने। हमें इसका एक स्मूथ पैटर्न तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आवश्यकता अनुसार दूध, आवश्यकता पड़ने पे डालेंगे, नहीं तो अब नहीं डालेंगे। और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमारा पैटर बनके तैयार है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे ज़्यादा मिक्स नहीं किया जाता है, नहीं तो हमारा केक फूलेगा नहीं और ज़्यादा देर तक रखा भी नहीं जाता है। अब चलिए हम गैस की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पैन लिया है, पैन को गर्म करेंगे। गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और अपम पैन को चिकना कर लेंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता, अब ज़्यादा तेल का यूज ना करें। अब कलछुल के या चम्मच की मदद से हम पैन में पैटर को डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने पैन में पैटर डाल दिया है। इसे हम 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गया है। चलिए आप चेक कर लेते हैं। ये देखिए सिर्फ 5 मिनट में ही ये बन के तैयार हो जाता है। अब इसे पलट के हम 2 मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे और हमारा केक बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने केक को पलट दिया है। अब 2 मिनट के लिए इसे ढक के हम पकाएंगे। तो चलिए 2 मिनट हो गया है, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। तो इसे आप ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चे को खुश कीजिएगा, बच्चों को खिलाइए। आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, बच्चे आपके आकर्षित हो सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।